गुड आफ्टरनून क्लास. इन लास्ट क्लास वी लर्न फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर वन रम्पेलस्टिल्स्किन. तो बेटा इस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि एक मिलर था जो कॉटेज में रहता था, और उसका कॉटेज कहाँ था, मिल के पास में था. मिलर की जो डॉटर थी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट थी. वहाँ पे से एक किंग निकला जो कि कैसा था, हैंडसम था, स्मार्ट था, है ना. और वो उस लड़की के बारे में पूछता है कि लड़की कौन है. तो उसमें से एक उसका दरबारी था, कोर्टियर था, वो उसको बोलता है कि ये मिलर की डॉटर है जो कि मिल के पास में उनका घर है, वहीं रहते हैं ये लोग, ठीक है. उतने में मिलर अपने घर से बाहर आया और उनको देख करके अमेज हो गया, सरप्राइज हो गया, है ना, किंग और उनके कोर्टियर्स को देख के. तो वो राजा के पास गया, क्या तुम मेरी बेटी के बारे में पूछ रहे हो, क्या तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हो. तो राजा उनको क्या बोलता है, नहीं, मिलर उन्हें बोलता है कि मेरी बेटी सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, क्लेवर भी है, होशियार भी है. क्लेवर मतलब होशियार, फुलिश मतलब मूर्ख. और वो साथों साथ वो स्ट्रॉ को, है ना, घास फूस को किस में बदल देती है, सोने में बदल देती है. तो इतने में राजा उस एकदम से शॉक्ड हो गया, है ना. उसको बोलता है स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, सूखी घास फूस को गोल्ड में, है ना, क्या तुम मुझे सच कह रहे हो. तो मिलर उसको बोलता है हाँ, और अपनी बेटी की तारीफ करना शुरू कर देता है. अब देखो, क्योंकि किंग तो ग्रेडी था, लालची था, है ना, तो वो क्या किया, मिलर के डॉटर को अपने साथ अपने पैलेस में ले गया, मतलब महल में लेके चला गया. यहाँ तक हमने रीडिंग कर लिया था, अब हम इसके आगे का रीडिंग करते हैं. देखिए क्या लिखाया है, ही पुट हर इनटू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड सेड कम ऑन यू आर वेरी स्मार्ट. देखो क्या वो करता है, उसको एक रूम में भर बंद कर देता है, रूम में रख देता है, और रूम को किससे भर देता है, स्ट्रॉ से भर देता है, और उसे कहता है कम ऑन यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत होशियार हो, टर्न दिस स्ट्रॉ इंटू गोल्ड बाय टुमारो मॉर्निंग. क्या बोलता है, इन स्ट्रॉ को, इन घास फूस को, सूखी घास को किस में बदलो, अगली सुबह तक गोल्ड में बदलो, है ना, क्योंकि उसके फादर ने उसको बोला था कि मेरी बेटी स्ट्रॉ को गोल्ड में बदल देती है, है ना. तो उसको एक रूम में बंद कर देता है, और रूम को किससे भर के रख देता है, स्ट्रॉ से भर देता है, और बोलता है कि अगली सुबह तक, टुमारो मॉर्निंग मतलब अगली सुबह तक तुम्हें इसको गोल्ड में बदलना है, ओके. और क्या करता है, देखिए, ही लॉक द डोर एंड लेफ्ट हर देयर, और उसने डोर को लॉक कर दिया, मतलब ताला लगा दिया, लॉक कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, और उसे वहीं पे छोड़ करके चला गया, ओके. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द गर्ल सेट, सीट का सेकेंड फॉर्म है सेट, सीट मतलब बैठना, सेट मतलब बैठा या बैठी. द गर्ल सेट ऑन द फ्लोर इन अ कॉर्नर, कॉर्नर मतलब किनारे पे, एंड वेब, वेब मतलब रोना, वीप का सेकेंड फॉर्म है, वीप, वेब, वेब, ओके. ऑल ऑफ अ सडन द डोर ओपेंड, अ स्मॉल फनी लुकिंग मैन स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, इन द डोरवे मतलब दरवाजे पर. तो देखिए, द गर्ल सैट ऑन द फ्लोर इन अ कॉर्नर एंड वेप, जो लड़की थी वो जमीन पर, फ्लोर मतलब जमीन पर, किनारे में बैठ गई, एक साइड में कोने में बैठ गई, कोने में, और क्या करी, रोने लगी, कॉर्नर मतलब कोने में, और वेप मतलब रोने लगी. तो क्योंकि उसको नहीं आता था कि कैसे गोल्ड को, स्ट्रॉ को गोल्ड में बदले, है ना, तो वो कॉर्नर में बैठ गई और रोने लगी. तभी अचानक से, सडन मतलब अचानक से, ऑल ऑफ सडन अचानक से क्या हुआ, डोर ओपन हो गया, और डोर पे कौन खड़ा था, स्मॉल फनी लुकिंग मैन मतलब एक छोटा सा आदमी खड़ा था जो कुछ फनी टाइप का दिख रहा था, मतलब जिसे देखने में इंसान को हंसी आ जाए, फनी टाइप का दिख रहा था, अजीब सा, है ना. स्टूड स्टैंड का सेकंड फॉर्म है, कहाँ खड़ा था, दरवाजे पर खड़ा था. अचानक से दरवाजा खुला अपने आप, है ना. और देखिए, गुड इवनिंग ही सेड, व्हाई आर यू क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना. उसको बोलता है गुड इवनिंग, तुम क्यों रो रही हो. अब देखिए लड़की उसको क्या बोल रही है, आई हैव टू स्पिन ऑल दिस स्ट्रॉ इंटू गोल्ड बाय टुमारो मॉर्निंग, सेट द फ्राइटेंड गर्ल. फ्राइटेंड मतलब क्या होता है बेटा, डरी हुई. तो लड़की डरी हुई थी, तो उसको क्या बोलती है, उस फनी लुकिंग मैन को क्या बोलती है कि मुझे इस स्ट्रॉ को अगली सुबह तक गोल्ड में बदलना है, है ना. तो देखिए बेटा, ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे. थैंक यू.